पे ब्राह्मण राजपूतों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अब महामंडल का गठन किया है। इसके तहत सामाजिक और आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए महामंडल बनाए गए हैं। ब्राह्मणों के लिए परशुराम आर्थिक विकास महामंडल का गठन किया गया। बात राजपूतों की करें तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडल बनाया गया है। दोनों महामंडलों को महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए परशुराम आर्थिक विकास महामंडल, इसके साथ साथ राजपूतों के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडल का गठन किया गया है। कैबिनेट से दोनों महामंडलों को मंजूरी दे दी गई है। तर्क ये दिया गया कि सामाजिक और आर्थिक स्तर को काम किया जाए, इसको सुधारा जाए और इसके लिए महामंडलों का गठन हुआ है। अभिषेक पांडे मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, महामंडलों का गठन, आखिर इसके पीछे विजन क्या रहा है सरकार का? कैबिनेट से इसको मंजूरी दे दी गई है, बताया जा रहा है कि सामाजिक और आर्थिक स्तर को सुधारा जाएगा, किस तरीके से ये काम करेंगे? देखिए, बिल्कुल, ये देश में पहला ऐसा डिसीजन है जिसे महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने रिपोर्टों में माना है कि कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण और ठाकुर हैं उनकी कई प्रतिशत स्थिति काफी दयनीय है और ऐसे में उनकी स्थिति को सुधारा जाने चाहिए और इसके लिए महामंडल के गठन पर फैसला लिया गया है और उसको आज कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। ये इसके बाद से जब भी महाराष्ट्र में जो भी ठाकुर या ब्राह्मण के जो बच्चे होंगे उनको शैक्षणिक स्तर पर या आर्थिक स्तर पर मदद महाराष्ट्र सरकार देगी और इसके जरिए कहीं ना कहीं कोशिश है कि सामने चुनाव है, उसको भी ध्यान में रखा गया है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये पूरा डिसीजन है। लेकिन निश्चित तौर पर ये पहली बार इस तरीके की चीज हुई है जबकि ब्राह्मणों और ठाकुरों को इस तरीके से महामंडल या उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर को सुधारने की कोशिश महाराष्ट्र, यानी कि अभिषेक, हम ये समझे कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में ब्राह्मण वोट बैंक, राजपूत वोट बैंक, इनको साधने की कोशिश की जा रही है, एक कवायद के तौर पे से देखें? बिल्कुल, एक कवायद है क्योंकि जिस तरीके से मराठा नाराज है, महाराष्ट्र सरकार को लगता है कि अगर मराठाओं का वोट बैंक छिटका तो ओबीसी के सहारे रहने के साथ साथ जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं ब्राह्मण और ठाकुरों के उनको भी हित में साधा जा सकता है और इसीलिए ये पूरा डिसीजन लिया गया है। बिल्कुल, सारे समीकरणों को यहाँ पे साधकर महाराष्ट्र सरकार चलना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।